अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। नीच, अब तेरे पास बस यही एक रास्ता बचा है। देख, तू प्रीता को हरा सकती है, ऑफ कोर्स हरा सकती है, लेकिन सिर्फ तभी जब प्रीता इस कंपटीशन में ही ना हो। मतलब बेब्स, प्रीता अगर कोई मामूली लड़की होती ना तो तू उससे कभी नहीं डरती। इनफैक्ट अगर तुझे पता होता कि प्रीता मर गई है फिर भी तू उससे नहीं डरती। आई मीन टू से, अगर प्रीता भूत होती ना फिर भी तू उससे नहीं डरती। आई नो यू वेरी वेल। लेकिन प्रीता एक बहुत ही तेज और शातिर दिमाग औरत है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो मरी नहीं है, वो जिंदा है। देख बेब्स, डोंट गेट मी रॉन्ग, लेकिन तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले तू प्रीता को कभी हरा नहीं पाएगी। वो प्रीता बार बार तुझे हराएगी और कब तक हारती रहेगी तू उससे, पता? रो बात को ना घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है, जो बोलना है सीधा सीधा बोल। बेब्स, देख मैं कुछ बताना नहीं चाहती हूँ, बस ये समझाना चाहती हूँ। अब वो टाइम गया जब तू उस प्रीता के बारे में जानना चाहती थी कि वो क्या चीज है, वो क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। अब टाइम आ गया है उस प्रीता से हमेशा हमेशा के लिए पीछा छुड़ाने का। जब तू उस प्रीता से पीछा छुड़ाएगी ना तभी जीत पाएगी, और तू तभी जीत पाएगी जब वो प्रीता मर जाएगी। बेब्स, जब वो प्रीता मरेगी तब जाके तुझे तेरी जिंदगी दोबारा हासिल होगी। जस्ट इमेजिन बेब्स, प्रीता खत्म खत्म तो तेरे सारे प्रॉब्लम्स खत्म। यू आर एब्सोल्युटली राइट। और वैसे भी मैंने उन दोनों को बात करते हुए सुना था कि कल सुबह वो मंदिर जाने वाली है। ओह, दैट्स ग्रेट। तो फिर देर किस बात की? जब प्रीता भगवान के घर से बाहर निकलेगी दोबारा उसे भगवान के घर भेजना। लेकिन इस बार हमेशा हमेशा के लिए। अरे ये लड़की, तुझे क्या हो गया? इतनी रात को जाग क्यों रही? धीरे बोलो, धीरे बोलो, चिल्ला क्यों रहे हो, डांट क्यों रहे हो? इधर क्या, इतनी रात को तू जागेगी तो ऐसी ही आवाज निकलेगी ना मेरी। मम्मा मुझे नींद ही नहीं आ रही है। क्यों, तेरा ब्याह होने वाला है, जो तू होने वाले दूल्हे के बारे में सोच रही है, कोई फोटो वोटो मिल गई उसकी? और यहाँ तो तू फिर नींद की गोली खाती है जो तूने आज खाई नहीं, बता मुझे। क्या मम्मी, कुछ भी बोलने जा रहे हो आप, चुप। आपको नहीं पता मैं जब से उस घर से आई हूँ ना, उस घर ने ना मेरी पूरी की पूरी नींद उड़ा दी। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। हाँ, वो घर नहीं महल था, महल मतलब सच में बोल रही हूँ, मेरा तो ना उस घर से इस घर में आने का मन ही नहीं कर रहा था। सच्ची बोलो ना मम्मी, उस घर ने ना मेरे तोते उड़ा रखे हैं, सच में। तो फिर अपने तोते ही उड़ाना, दिल मत उड़ा देना, और पैर ना जमीन पर रखना ताकि तेरे पैर फिसल ना जाए। मैं चली सोने। मम्मी कहाँ जा रहे हो? मैं क्या कह रही थी ना कि जब से मैं उस घर से आई हूँ ना तो मेरा तो इस घर में मन ही नहीं लग रहा है। और वैसे भी ना बड़े बड़े शहरों में ना मैं छोटे छोटे घरों में रहने के लिए नहीं बनी हूँ। और आपको तो पता है ना मेरी किस्मत ना बड़ी बुलंद है। एक पंडित जी ने भी कहा था मेरा ना राज्य हो गया, और ना आज तो कल ना मैं महलों में रहने वाली हूँ। ये तो बड़ी जोड़ी गल करी तूने। एक बात याद रखना, जब तू महलों में जाएगी ना तो मुझे भी अपने साथ ले जाइए। अरे मम्मी, तभी तो मैं आपसे बोल रही हूँ कि ना बस मेरी मदद करो कि ना मैं उस शौर्य को कैसे पटाऊँ। उसका दिमाग पीटी शौर्य, किसका नाम ले लिया तूने? नास बेटा कहीं का, बड़ा ही टेढ़ा लड़का है वो। पता है तेरी बहन पलकी के साथ कितनी टेढ़ी हरकत की उसने, है कि नहीं? अरे अम्मी, जो अमीरजादे होते हैं ना ये टेढ़े ही होते हैं। हाँ, अच्छा हाँ, पता है इनकी गलतियों को ना माफ कर देना चाहिए, और ना ये तो अमीर ही गलतियां करने के लिए होते हैं। हाँ, समझ रहे? आप टेंशन मत लो, जैसे ना मेरी मेरे प्रिंस चार्मिंग से शादी होगी ना, मैं पलकी को कह दूंगी कि उसको माफ कर दे, ठीक है? चलो अब ये सब छोड़ो, अब मुझे ये बताओ कि मैं अपने प्रिंस चार्मिंग को कैसे बताऊं। ये तो मुझसे अच्छा कोई बता ही नहीं सकता है। पता है तुझे, अपने जमाने में मैं भी पटाखा थी पटाखा, लड़कों को तो यूं बता लेती थी,
तेरे बाबूजी को भी ना मैंने यूं ही पटाया था। गलती हो गई, उसके बाद तो मेरी किस्मत ही फूट गई। तू देख रही है ना मेरी किस्मत फूटी हुई। मैं भी किसी अमीर सादे को पटा लेती तो मैं भी किसी महल में रानी बनकर रास रचा रही होती। मम्मी आपके बारे में बात नहीं हो रही, आप फिर शुरू हो गए। मेरे बारे में बात हो रही, आप मुझे टिप्स दो कि मैं शौर्य को कैसे पटाऊं, समझ रहे? शट अप, तू मुझे फिर से इग्नोर कर रही है। इग्नोर कर रही है कि नहीं? मैं पटाका थी, पटाका हूँ और पटाका ही रहूंगी। और तेरे लिए ना उस चौरे को पटाने के लिए इतना ही काफी है कि तू मेरी बेटी है। आ, बस अपने लटके झटके और मटके थोड़े और बढ़ा देना, है कि नहीं? डन। और हाँ, ये जो तू कुछ झल्ले जैसे कपड़े पहनती है ना, ढीले ढीले नहीं, थोड़ा फिगर के टाइट कपड़े पहनना, जिससे तेरा फिगर दिखे। तेरा फिगर दिखेगा ना तो उस रईस जादे का जिगर भी दिखेगा, है कि नहीं? समझी? दे ताली। समझ गई मम्मा। हेलो डार्लिंग, कैसी तबीयत है? मैं आपका हालचाल पूछने आया। वाह वाह वाह, कितनी जल्दी याद आई मेरी। अरे दो दो पोते हैं मेरे पास, लेकिन दादी के लिए टाइम नहीं है तुम्हारे पास। अरे अरे क्या, ऐसे गुस्से में ना और सुंदर लगते हो यार, कमाल, कैसे कर लेते हो ये? थैंक यू। लेकिन अरे देख क्या रहे हो मुझे, जैसे मैं बहुत पुरानी मरीज हूँ। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप, मरीज? आपकी उम्र ही क्या है? मुझे एक बात बोलनी थी, मुझे गार्डन लेके जाओ, मुझे वहाँ गाना है, उड़ती फिरूं गगन में, घूमूं, झूमना है, डांस करना है, वाह। उसके बाद जो डॉक्टर मुझे टॉर्चर करेगा वो आपके पैर में लगी है चोट और आपको जाना है बाहर। ओफ, मुझे जाके वॉक करना है। हाँ तो समझ ही नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, आपको वॉक पे जाना है ना। हाँ। एक काम करते हैं, रूम में ही वॉक करवा देते ना यहाँ पर। इस कमरे में? अरे इस कमरे में ऑक्सीजन नहीं है, ठंडी हवा नहीं है, बंद बंद है, घुटन महसूस होती है मुझे। मैं तो जाऊंगी बाहर। देखो वहाँ पे भी जाएंगे, पर गार्डन क्या, हम लोग वर्ल्ड टूर पे जाएंगे। तो करण तो प्लानिंग कर रहा है, लेके जाएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, करण तो प्लानिंग कर रहा है आपकी वर्ल्ड टूर। क्या ले जाओगे तू, क्या ले जाएगा मुझे वर्ल्ड टूर पे? मैं खुद ही चली जाऊंगी वर्ल्ड टूर। तुम लोगों से ना वो पलकी अच्छी है, कितना प्यार करती है मुझे, कितना ख्याल रखती है, उसके साथ मैं बड़ी खुश रहती हूँ। पलकी कौन? आपकी वो नई डॉक्टर? आए, आए, मतलब वो नई डॉक्टर क्या है, अपने पोतों को भूले? नो 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 नो, वो मेरी डॉक्टर नहीं है, वो मेरी डॉटर। डॉटर बनाया मैंने उसको अपना। क्या बात है, चुप कर, मेरी बात सुन। अभी याद है बहुत साल पहले ऋषभ, तू मुझे हॉस्पिटल लेके जा रहा था, मैंने कहा ना। तूने कहा अच्छा डॉक्टर घर पे ले आते हैं, मैंने कहा ना। फिर भी तू एक डॉक्टर घर ले आया प्रीता को, कितना ख्याल रखा उसने, मेरे पैरों का दर्द भी मिटा दिया उसने। शुरू में उसके साथ बहुत नोकझोंक होती थी, बड़ी लड़ाई होती थी, बाद में उसे मैं प्यार करने लगी, लेकिन अब मुझे वो लड़की मिल गई है जो मेरा दर्द ही नहीं, मेरी जिंदगी का दर्द भी गायब करेगी, इस घर का दर्द भी गायब करेगी। समझे? समझे? आपका तो दर्द मिटा दिया दादी, लेकिन मुझे दर्द दे गया। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।